Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good morning to all of you. Today we are going to discuss prime numbers. As we have already discussed about the factors, कैसे निकालते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. सो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक, प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके पास दो फैक्टर हों, दैट हैज टू फैक्टर्स. अब वो टू फैक्टर्स भी पहले से ही प्रीडिफाइंड हैं. वो कैसे होने चाहिए? एक वन निकल के आना चाहिए फैक्टर, और एक वो नंबर खुद निकल के आना चाहिए. और नंबर खुद के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? नंबर इटसेल्फ. इसका क्या मीनिंग है नंबर इटसेल्फ का? वो नंबर खुद. चलिए कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल. अब मैं निकालती हूँ फैक्टर टू के. तो टू एक वन के टेबल में आता है और एक टू के टेबल में आता है. अब मैं बात करूँ फोर की, तो फोर वन के टेबल में आता है, फोर टू के टेबल में आता है, फोर फोर के टेबल में आता है. ठीक है, तो टू के फैक्टर मेरे पास कितने निकल करके आए? वन टू, दो फैक्टर. और फोर की बात करूँ तो वन टू थ्री, तीन फैक्टर. और क्या कंडीशन होती है प्राइम नंबर्स की? कि हमारे पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए? टू. तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को? टू. तो टू क्या हो गया? प्राइम. और फोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास तीन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये प्राइम नहीं है. ओके, चलिए इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो एक बार समझ लेते हैं. कौन कौन से हैं वो पॉइंट? अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर. शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं मैं, इसका मीनिंग है नंबर. ओके, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन है कि प्राइम नंबर के लिए हमें कितने फैक्टर्स चाहिए? टू फैक्टर्स चाहिए. और वन जो है सिर्फ एक ही के टेबल में आता है, यानी वन. वन के पास कितने फैक्टर रह गए? सिर्फ वन रह गए. इसलिए वो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता. दिस इज वाई दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? जब वन नहीं होता तो हम टू की बात करें. तो टू के कितने फैक्टर्स अभी हमने पढ़े थे? दो ही होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है. दिस मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, सबसे छोटा. स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा. अब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या मतलब है? दो टर्म यूज हुई है यहाँ पे, एक इवन और एक प्राइम. यानी वो प्राइम भी होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए. तो प्राइम नंबर हम अगर टू की बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर? टू से. तो टू इवन है, यस इट इज एन इवन नंबर. टू प्राइम है, यस इट इज अ प्राइम नंबर. और टू ही सबसे छोटा नंबर भी है. दैट मीन्स ये तीनों टर्म टू पे सेटिस्फाई हो रही है. स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है, प्राइम भी है. तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? टू. ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ऐसे पूछ ले यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन की जगह दे दिया उन्होंने ऑड, तो आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे छोटा भी हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो. तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करवाऊंगी. चलिए एक और टॉपिक है हमारे पास, वो हम समझ लेते हैं. दैट टॉपिक इज ट्विन प्राइम. बहुत इजी है, बस आपको इतना क्लियर करना है कि ये ट्विन प्राइम होते क्या है, फिर आप लोग खुद ही निकाल लेंगे. ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस, यानी इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंस क्या आना चाहिए? टू. अगर दो प्राइम नंबर आप ऐसे लिख लें जिनको माइनस करने पे, डिफरेंस निकालने पे आंसर टू मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो कैसे प्राइम है? ट्विन प्राइम है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. थ्री प्राइम है, यस इट इज अ प्राइम नंबर. फाइव प्राइम है, यस इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मीन्स फाइव माइनस थ्री क्या देगा ये हमें? टू. फाइव माइनस थ्री इज टू. तो हमें डिफरेंस क्या मिला? ये दोनों प्राइम है, इन दोनों का डिफरेंस टू मिला है, इसलिए ये क्या हो गया? ट्विन प्राइम.
ओके अब आपको पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, लैंग्वेज अब समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको खुद से समझना है। ओके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।